please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना इस देश में नया फैशन बन गया है? क्या कोर्ट ये सोचकर फैसला सुनाए कि उसका फैसला राजनीतिक दलों को सूट करेगा या फिर नहीं करेगा? क्या राजनीति के लिए कोर्ट के दायरे को चुनौती दी जा रही है, यानी अदालतों को चुनौती दी जा रही है? आखिर देश में ये कैसी सियासत हो रही है? कल जज लोया पर फैसला क्या आया? कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। आज नरोड़ा पाटिया केस में फैसला आया तो इस पर भी तंज कसा गया। असीमानंद से लेकर माया कोडनानी तक और कर्नल पुरोहित तक, कोर्ट में सच की जीत से कांग्रेस आखिर परेशान क्यों है? क्या अब कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से प्रतिक्रियाएं दी जाएंगी? लेकिन एक बड़ा मुद्दा और है, क्योंकि गुजरात दंगों को लेकर बार बार बीजेपी नेताओं पर बड़े सारे सवाल खड़े हुए और एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े नेता बेदाग साबित होते रहे। और आज गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को भी क्लीन चिट मिल गई है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी के ऊपर से गुजरात दंगों का दाग अब तुल गया है? और क्या वाकई सच की जीत से परेशान हो रही है कांग्रेस पार्टी? आज इसी पर होगी देश की सबसे दमदार डिबेट। जिन तीन बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते रहे हैं, उनमें अब बाजी पलट चुकी है। नरोदा पटिया दंगा मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मौके पर कोडनानी की मौजूदगी साबित नहीं हो पाई। कोडनानी के खिलाफ कुल 11 गवाह थे, लेकिन कोई भी गवाह उनकी मौजूदगी साबित नहीं कर सका। 2002 में गुजरात दंगे के वक्त कोडनानी मंत्री थी। हालांकि कोर्ट ने बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी की ताउम्र जेल की सजा को बरकरार रखा है। देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत भली महिला हैं, अच्छी हैं। न्याय पर भरोसा रखना चाहिए, कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट पर भरोसा रखने से लोकतंत्र मजबूत होता है। Those acquitted, all those charged, even sentenced for communal crimes, they are getting finally acquitted now. आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। ये सब लोग इस तरीके से अवहेलना कर रहे हैं, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। राजनीति और न्यायपालिका दोनों को अलग रखा जाता है। गुजरात दंगे के दौरान 28 फरवरी 2002 को नरोदा पटिया में हुए दंगे में 97 लोगों की जाने गई थी। माया कोडनानी समेत 32 लोगों को निचली अदालत ने इस मामले में दोषी माना और कोडनानी को निचली अदालत ने 28 साल की सजा सुनाई थी। उधर फैसला आते ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, जज लोया केस, नरोदा पटिया हत्याकांड, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, किसी ने किसी को नहीं मारा, सभी प्राकृतिक तौर पर अप्राकृतिक मौत मारे गए। 62 लोग नरोदा पाटिया के हिंसक नरसंहार में जिंदा जला दिए जाते हैं मार्मिक और दिल दहलाने तरीके से, पर कोई दोषी नहीं। अगर इसी प्रकार से सबूतों के अभाव में लोग छूटते जाएंगे तो इस देश की जनता का न्यायपालिका और उसकी अस्मिता से विश्वास उठ जाएगा। सवाल है कि क्या कांग्रेस न्याय व्यवस्था में अविश्वास जताने की कोशिश कर रही है? लेकिन एक बड़ा सवाल और है, क्योंकि गुजरात दंगों से जुड़े गुलबर्गा सोसाइटी से लेकर नरोड़ा पटिया मामले तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता बरी हो चुके हैं। तो क्या वाकई धुल गए हैं गुजरात दंगों के दाग? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज का विश्लेषण थोड़ा जबरदस्त है। कोर्ट में सच की जीत से परेशान कांग्रेस का विश्लेषण सुनिए। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कोर्ट से हो चुके हैं बरी। बीजेपी के नेताओं को बेदाग साबित होने से
समूचा विपक्ष बेचैन हो गया है कि ये क्या हो रहा है। गुजरात दंगों को लेकर बीजेपी को घेरती रही है लगातार कांग्रेस। सियासी दलों की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता किसी भी कोर्ट का फैसला। क्या कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना नया फैशन बन गया है? और मैं डिबेट को अब ओपन करता हूं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, गृह मंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर है। मेरे साथ अभय दुबे है जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। वारिस पठान मेरे साथ है, ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता, AIMM के प्रवक्ता। मेरे साथ अजय गौतम साहब है, हम हिंदू के फाउंडर है। मेरे साथ शेष रायन सिंह है, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, आखिर क्या हुआ है? लगातार जज लोया से लेकर नरोड़ा पाटिया तक या फिर माया कोडनानी तक, कर्नल पुरोहित से लेकर हर मामले तक जब फैसला आता है कोर्ट की जजमेंट पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सच्चाई की जीत से परेशान हो जाता है विपक्ष और फैशन बन गया है कोर्ट की जजमेंट पर सवाल खड़े करना। देखिए, राजनीति का स्तर यह हो गया है कि किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था के किसी भी अंग पर आक्षेप करने में कोई हिचक मत रखो। आपने देखा कि कांग्रेस ने और हमारे विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का चरित्र दिखाया। आतंकवाद का विषय हो तो उस पर राजनीति करने में मत चूको। शिव भक्त होकर शिव के भक्तों को भी विभाजित करने में मत चूको। जातिवादी शक्तियों के साथ खड़े होने में मत चूको। ऐसी कंपनियों का साथ लेने में मत चूको जो कहती हैं कि हमारी एक्सपर्टीज फियर क्रिएट करने में है। अब आ गया जुडिशरी, न्यायपालिका के ऊपर आक्षेप, और वैसे मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी तो वही पार्टी है ना जिसने एक दौर में कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, यानी जो पार्टी की विचारधारा उसके अनुसार जुडिशरी होनी चाहिए, और आज तक कांग्रेस ने अपने बयान के लिए ना माफी मांगी है ना उसका खंडन किया। तो विपक्ष में रहकर भी वही चरित्र दिखाई पड़ रहा है। अबे दुबे, मैं ये कह सकता हूं आदम शुक्रवार पे बैठे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहद खराब रहा। ये इसलिए इस लिहाज से खराब रहा, एक तो आपने जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को अपनाया उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने डिसमिस करा। उसके बाद जज लोया के ऊपर आपने जैसी राजनीति करी उस पर कोर्ट ने बोला कि अपनी राजनीतिक रंजिशें कोर्ट के परिसर के बाहर रखिए। तीसरा, गुजरात दंगों में माया कोडनानी आखिरी वो शख्स थी जिनके बलबूते आप बीजेपी पे आरोप मढ़ सकते थे। माया कोडनानी को आज छूट मिल गई वहां पर, बताइए। देखिए अमित जी, न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ ये दायित्व बनता है प्रजातंत्री व्यवस्था में प्रतिपक्ष को कि वो हर संभव कोशिश करे कि उस न्याय की मूर्ति में पुनः न्याय प्रतिस्थापित कर दें। वो न्याय की मूर्ति पर निष्पक्षता की पट्टी बंधी और हाथ में सत्य की ओर झुकने वाला तराजू है। जब हमने देखा कि सत्य न्याय की उस मूर्ति में से जो निष्पक्षता की पट्टी है वो खुल रही है और न्याय असत्य की ओर झुक रहा है, तब हमारा नैतिक दायित्व था कि हम उसके लिए प्रजातंत्री व्यवस्था में आवाज खड़ी करें। मैं प्रारंभ करना, सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल पट्टी खुल रही है। एक मिनट कि फैसला आपके पक्ष में नहीं आ रहा, फैसला आपके विरोध में आ रहा है। कहा आज माननीय अरुण जेटली साहब ने एक ब्लॉग लिखा, उन्होंने कहा कि इम्पीचमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी का रिवेंज है क्योंकि लोया साहब के मुकदमे में जो फैसला आया है वो। अरुण जेटली साहब, हमने 8 दिन पहले माननीय सभापति महोदय राज्यसभा को आवेदन देना का मानस बनाया मगर वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे थे और उस दौरान हमारे 7 सांसद रिटायर हो गए जो प्रामाणिक रूप से दस्तावेज हमारे पास है। तो हमने लोया जी के निर्णय के आधार पर इम्पीचमेंट मोशन की बात नहीं की। ठीक है, गुजरात का जिक्र किया, मैं देश के सम्मुख एक प्रश्न रखना चाहता हूं माया कोडनानी के विषय में। 10 सेकंड और दीजिए जी। 2009 में प्रोसिक्यूशन की परमिशन किसने दी? तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने जो सीआरपीसी का 197 सेक्शन था जिसमें प्रोटेक्शन था, यह तय किया कि माया कोडनानी के अपराध। यू मेड योर पॉइंट नाउ, ओके। और आखिरी बात, जो प्रोसिक्यूशन कौन था? प्रोसिक्यूशन जो थी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी वो गुजरात सरकार थी। गुजरात सरकार इस निर्णय के बाद हाई कोर्ट में गई कि सजा बढ़ा दी जाए, जिनका एक्विटल हुआ 29 लोगों का उनके खिलाफ। ओके ओके, अब फिर ओके 40 सेकंड्स बस। सुधांशु, आपने जो बोला उससे स्पष्ट हो गया कि हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी की सरकारों ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। समस्या आपकी दृष्टि में है। उदाहरण के लिए, मालेगांव ब्लास्ट में 9 मुस्लिम युवक सबूतों के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं हमारी सरकार के समय में, तो आप कहते नहीं वो तो मासूम थे। मायाबेन कोडनानी छोड़ दी जाए तो वो साजिश थी। अगर कश्मीर में जो फर्स्ट टाइमर पत्थरबाज हैं
जो कि 18 साल से कम उम्र के थे, सरकार ने कहा कि भाई उनको क्षमा कर दिया जाए, पहली गलती माफ कर दिया, तो वो तो मासूम थे, मगर हिंदू आतंकवाद के आरोपी छूट जाए तो साहब वो सरकार की साजिश थी। ये नजरिया आपका जी, जो जी, है जी, यह पक्षपाती नजरिया। देखिए 15 सेकंड, बिल्कुल अमित जी मुझे ये बताइए, असीमानंद का सीआरपीसी का 164 का बयान जो न्यायाधीश के सम्मुख दिया जाता है 30,000 ही कोर्ट में, कांग्रेस ने दिया? नहीं बोला ना सर, कांग्रेस ने सुन लीजिए, अपने कि हिंदू आतंकवाद की स्टोरी एस्टैब्लिश हो। अरे हिंदू आतंकवाद की सबसे पहले व्याख्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग धाराओं में मत खेलिए। उन्होंने जवाब दिया कल सांगरा डांगे प्रज्ञा भारती, ठीक है सर, ठीक है, सुनील जोशी जी, हमने आज तक अमित शाह जी ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री फॉर्मर होम सेक्रेटरी ने बोला हिंदू आतंकवाद था। सुशील कुमार शिंदे 2013 कांग्रेस अधिवेशन में रटर रटाई बात बोली, हिंदू आतंकवाद था और बीजेपी और आरएसएस कैंप चला रही है। अगर कैंप चला रही थी पाकिस्तान के तो कैंप ध्वस्त करने मुश्किल है, मान लिया, यहाँ तो कैब ध्वस्त कर सकते थे आप, किसने रोका था आपको? देखिए अमित जी, नहीं बताइए ना, हमने तत्काल तब कहा कि कांग्रेस पार्टी का विचार ये नहीं है सर्वाधिक सहिष्णु धर्म धर्म, लेकिन सुषमा स्वराज ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर पूछा कि गृह मंत्री का बयान है, जवाब दे, गृह मंत्री ने विथड्रॉ किया बयान और कहा हमने तो ऐसे ही कह दिया था, आज तक देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि गृह मंत्री ने कह दिया कि हम तो ऐसे ही क्षमा मांगे। एक एक करके, एक एक करके आपने, आपको मौका मिला, आपको भरपूर मौका मिला सर। देखिए अमित जी, सर सर देखिए, मुझे लगता है आपको भरपूर मौका मिला, 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड सुधांशु को दीजिए, फिर मैं डिबेट को ओपन कर दूं। अजय गौतम अंबानी से बचने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट, एक बात, 15 सेकंड सुधांशु जी, बिल्कुल 15 सेकंड में जी। सुशील कुमार शिंदे जी का बयान जनवरी 2013 की जिस डेट का है, आर के सिंह का बयान उसके 3 दिन बाद का जी, जो इससे प्रमाणित होता है वो बुलवाया गया। जब सुषमा जी ने पूछा तो यह इन्होंने कहा कि हम बयान विथड्रॉ करते हैं, और अगर ये मान ले कि भैया इनके अफसर ही सब कुछ कर रहे थे तो इनकी सरकार में, अच्छा, मैंने एक मिनट जी, जी। इनकी सरकार में मैंने सुना था प्रधानमंत्री काम नहीं करते थे, कोई और करता था, मंत्री काम भी कोई और करता था। एक पंक्ति है, शेष नारायण जी को पता होगा, वही कहना चाहूंगा, इनकी सरकार पे लागू होती कि भैया अफसर करे ना चाकरी और मंत्री करे ना वर्क, और दास मलूका कह गए करता धरता क्लर्क, जो वो लिख दिए वही आपके मंत्री बन जो आपकी पार्टी में शामिल हो जाए उनसे वो सारे दांत दूर जाएंगे। अब देखिए आर के सिंह पर ये डिबेट नहीं है, ना ये हिंदू आतंकवाद पर डिबेट है, मेरा अनुरोध है वापस हम टॉपिक पर आते हैं। क्या मैं आपके पास आता हूं सीधा वारिस पठान और अजय गौतम, आपके पास भी आऊंगा मैं, खोल देना वारिस पठान, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या सच्चाई की जीत पर पूरा विपक्ष परेशान हो जाता है? कोर्ट के आप खुद वकील है पेशे से, जजमेंट हमेशा आपके फेवर में आया, ऐसा होता है क्या? जब 2G फैसला देता है सही है, जब 2G में फैसला आता है तो जायज है, जब उत्तराखंड पे सुप्रीम कोर्ट फैसला पलट देता है तो सही करा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब जज लोया पे फैसला आता है, जब माया कोटनानी पे फैसला आता है, जब हिंदू आतंकवाद पे फैसला आता है, जब कर्नल प्रोज पे फैसला आता है, तो कोर्ट प्रभावित है, कोर्ट गलत है, ये कहां तक जायज है? अमित जी, अमित जी देखिए, सबसे पहले तो ये एक्विटल का सीजन चल रहा है, असीमानंद छूट गए, माया कोडनानी छूट गई, जस्टिस लोया का जो केस था उसमें काफी सवाल रह गए, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। अब माया कोडनानी का केस आप देख लिए, 2002 का जब दंगा हुआ था नरोदा पाटिया गुजरात में, आई विटनेसेस के स्टेटमेंट है चार्जशीट में जिसमें यह लिखा हुआ है क्लियर कट कि माया कोदनानी वहां पर केरोसिन बांट रही थी, तलवारें बांट रही थी, तो उन आई विटनेसेस का क्या हुआ, क्या एविडेंस कोर्ट ने देखा? देखिए कोर्ट का जजमेंट मानना सबको है, लेकिन हमारे पास अपील के भी तो चांस रहते हैं। माया कोदनानी बेल पे थी इतने बरसों से, वो मेडिकल ग्राउंड पे बेल पे रही, बेल का आनंद उठाती रही, उस दरमियान में उन्होंने तमाम विटनेसेस का उन्होंने टेम्परिंग कर दिया है, विटनेसेस को डराया भी तो जाता है, तो कहीं ना कहीं संशय आता है हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर। जैसे रोहिणी सेलियन जैसा एनआईए की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उनको एनआईए के ऑफिसर ने कहा था कि आप केस में स्लो जाइए, तो संदेह है ना, कोर्ट तो उसी चीज पे जजमेंट देगा जो उसके सामने आप एविडेंस तो लाके पेश करोगे। सेम केस 2G में नहीं मानते, 2G में नहीं मानेंगे, ये सेम वहां पर भी कुछ हो सकता है, वहां नहीं मानेंगे लेकिन यहां मानेंगे। ओके ओके, लेट अजय गौतम रिप्लाई, होल्ड ऑन सर, लेट अजय गौतम रिप्लाई, अजय गौतम
योर रिप्लाई टू वारिस? कोई भी केस कोई भी हो। देखिए बहुत बहुत क्लियर सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, न्यायपालिका को आतंकित करना कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आज से नहीं इमरजेंसी से रहा है। न्यायपालिका को स्वयं न्यायाधीशों ने आकर, चार देश के मूर्धन्य न्यायाधीशों ने आकर बात कही कि न्यायपालिका, सुन लीजिए ना, 10 सेकंड सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ इलाहाबाद के उस न्यायाधीश ने जिसको जिसने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया था, कांग्रेस पार्टी ने उसको रिजाइन देना पड़ा। एक सरकारी जो अधिकारी है उसके खिलाफ सेंशन है कि भाई उसके खिलाफ हमें केस चलाना, उसकी परमिशन दीजिए। इंक्वायरी में असीमानंद ने एक कन्फेशन दिया है 30,000 कोर्ट में, अंडर सेक्शन 164 के रिकॉर्ड किया गया है उस कन्फेशन, 40 पेज का वो कन्फेशन है, उसमें उन्होंने पूरा बात बताई, थ्योरी क्या है, अ बॉम्ब फॉर अ बॉम्ब, उसमें उन्होंने बताया इंद्रेश कुमार क्या करेंगे, फाइनेंस का काम करेंगे, अजमेर ब्लास्ट का उल्लेख है, समझौता का उल्लेख है, मक्का मस्जिद ब्लास्ट का उल्लेख है, अब ये कन्फेशन रिट्रैक्ट किया है, तो संजय दत्त ने भी कन्फेशन रिट्रैक्ट किया था, उसको सजा होती है, ठीक है, सिर्फ एक वाक्य कहूंगा, हर जिम्मेदार वकील को पता है कि कन्फेशनल जो स्टेटमेंट है यानी स्वीकारोक्ति का बयान तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक सबूत ना हो। अरे एक नहीं दसियों उदाहरण है कि बेटे को बचाने के लिए बाप कह देता मैंने मर्डर किया था, तो क्या इसकी वजह से उसको मार दिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा? और शुरुआत इसकी क्या, क्या जो अजय गौतम कह रहे थे हिंदुओं को टारगेट करा, मैं कह रहा हूं इसकी शुरुआत कैसे हुई, असीमानंद के पास एक पत्रिका के लोग इंटरव्यू लेने पहुंच गए, साहब जेल में इंटरव्यू हो गया आतंकवाद के आरोपी का, और उसमें जो बोला गया उसी के आधार के ऊपर स्वीकारोक्ति का बयान शुरू हुआ, तो पहले तो यही संदेह है जेल में पहुंचा कैसे लोग, और वही एक पत्रिका पहुंची जो हमेशा भाजपा के खिलाफ लिखती रहती है। बिल्कुल नहीं, मेरे मेरे विद्वान प्रवक्ता साथी को मैं बताना चाहता हूँ, असीमानंद जी ने यह कहा कि मेरी सेवा में एक कलीम नाम का युवक था जिसने मुझको इतनी सेवा की कि मैं प्रभावित हुआ, और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट और 164 का न्यायाधीश के सम्मुख होना था। अरे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो सच की जीत कोर्ट में हो रही है, जिसको बीजेपी सच की जीत कह रही है, वो असल में किसी और की जीत है? 5 सेकंड में आप मुझे इसका पॉइंट जवाब दीजिएगा। संविधान में कहीं लिखा हो कि न्यायालय के निर्णय शेष नारायण सिंह, क्या फैशन बन गया है कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाना? हाँ, ये तो बहुत दिन से हो रहा है। इंदिरा गांधी को जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने खारिज किया था तो उन्होंने कानूने बदल दिया और अपील में आई, तो यहाँ पे जो जज थे जो जिनको जज बन चीफ जस्टिस बनना था वो हटा के अपने पालतू एक आदमी को चीफ जस्टिस बना दिया, तो ये तो आदिकाल से चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो होता ही रहता है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ और आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्या माया कोडनानी, जस्टिस लोया और हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस की जो किरकिरी हुई है उससे कांग्रेस वाकई बहुत परेशान है, क्यों परेशान है मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार का बेहद जबरदस्त फ्राइडे एडिशन, इस समय लाइव मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आबे दुबे, वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, और मेरे साथ अजय गौतम है और साथ ही शेष नारायण सिंह है, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। अजय गौतम, इस दौर की शुरुआत में आपसे करता हूं, आखिरकार
आखिरकार जब सच की जीत हो रही है कोर्ट में, तो क्यों विपक्षियों को, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो, दोनों को लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है? देखिए, जहां सुप्रीम कोर्ट में क्या हिंदू आतंकवाद है, क्या नरोड़ा पार्टिया में माया कोटनानी को क्लीन चिट मिलना गलत है, क्या जज लोया के मामले में मिलना गलत है, क्यों? सवाल ये है कि जब मन का हो तो अच्छा, नहीं नहीं वो इनके साथ समस्या यही है कि जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं उनके ऊपर एक तख्त है, एक तख्त लटकी हुई है जिसपे लिखा है यतो धर्मस्त तो जया, यानी कि संविधान की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है और धर्म की ही स्थापना होगी, और जब जैसे जैसे धर्म की जीत हो रही है अधर्म और साजिशों का नाश हो रहा है, जैसे साजिशों का नाश हो रहा है और जितनी भी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी थी हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र रचते इन्होंने, जैसे हमारी सेना को बदनाम किया कर्नल पुरोहित के माध्यम से, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बदनाम किया, साधु संतों को बदनाम करने के लिए आपने सीमानंद को महात्मा गांधी के हिंदुत्व को लेकर आगे चलते हैं। अमित जी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिए, मैं 10 सेकंड में अपना पॉइंट रख देता हूं। अमित जी, लोगों को साथ लेने का धर्म हिंदू है, सबसे सहिष्णु हिंदू धर्म है, आप जैसे लोगों ने। अमित जी 10 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, मैं अपना पॉइंट रख देता हूं। यही आपका हिंदू धर्म है, प्रज्ञा ठाकुर को जूतों से मारते थे आप लोग, यही आपका सनातन धर्म जी, कांग्रेस पार्टी का यही सनातन धर्म है। सर, आप हिंदू धर्म के विरोधी बन रहे हैं, सर आप हिंदू धर्म के, नहीं सर मैं माफी के साथ बोलता हूँ, हिंदू धर्म के इतने बड़े विरोधी बन रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया था। जी, मैं एक 10 सेकंड अब आप किस मुंह से विरोधी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मैं भाई आपने देखिए ये किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी ऐसे, अरे सूरत में क्या, अरे सूरत में नहीं, जयपुर में हुआ था, सूरत में नहीं हुआ था, जयपुर में हुआ था, कुछ अधिवेशन में हुआ था, और जब उस थ्योरी को कि बदनाम करे कांग्रेस पार्टी को ताकि अपना सत्ता, आपने बोल दिया को साथ रख सके। देखिए, वारिस पठान वेट करे, सुधांशु त्रिवेदी वेट करे, आपने सबसे ज्यादा टाइम ले लिया सर, आपने अजय गौतम का भी मौका लिया सर, 10-10 सेकंड करके 5 मिनट निकल चुके हैं। जी, वारिस पठान भी वकील हैं, नहीं नहीं, और सुधांशु जी भी, मैं एक प्रश्न, सुधांशु त्रिवेदी वकील नहीं, इंजीनियर हैं, नहीं नहीं, सुधांशु त्रिवेदी विद्वान साथी हैं हमारे, जो न्यायालय का, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसकी बुनियाद क्या थी? अच्छा, उसकी बुनियाद सुन लीजिए, लोया जी के केस में उसकी बुनियाद अच्छा, ये थी कि चार जजों का जो स्टेटमेंट सर है, मुझे ये बताइए वो थी चार जजों का जो स्टेटमेंट सर है, मुझे ये बताइए वो डिस्क्रीट, एक मिनट अमित जी 10 सेकंड सिर्फ ले रहा हूं मैं, वो डिस्क्रीट इंक्वायरी के स्टेटमेंट थे ना, सीआरपीसी 161 का स्टेटमेंट था, 164 का, आजाद भारत के इतिहास में किसी को आजाद भारत में सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है, अबे दुबे, अब स्टूडियो में आप बैठने का इतना फायदा ना उठाएं कि बाकी लोगों को पर मैं अपना नहीं, बिल्कुल आप सर पिछले 6 मिनट हो गए आप ही बोल रहे हैं और अजय गौतम उससे पहले 1-1.5 मिनट बोल रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी, आजाद भारत में कुछ चीजें 4 साल में ही हुई है, पिछले लगातार ऐसा दिख रहा है हर चीज आजाद भारत में पहली बार हो रही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा हमारी सरकार के ऊपर जितने भी प्रकार के दोषारोपण करना चाहें, अभी जो एक केस था मक्का मस्जिद का 2014 के बाद एनआईए ने ये कर दिया वो कर दिया, आपने बहुत कुछ बोला, केस कब का है? मई 2007। आपकी सरकार कब गई? मई 2014। 7 साल में चार्जेस क्यों नहीं फ्रेम हुए? अगर असली आतंकवाद होता है जानते क्या होता है, 26/11 में कसाब पकड़ा गया था, 26 नवंबर 2009, जनवरी 2010 में प्रोसीडिंग शुरू होती है और आप लोग छाती ठोक के कहते हैं 2013 में हमने फांसी चढ़ा दिया 3 साल में, और यहां 7 साल में चार्जेस नहीं, फिर दोष हमारा। ओके, वारिस पठान रिस्पॉन्ड टू सुधांशु त्रिवेदी, वारिस पठान रिस्पॉन्ड टू सुधांशु त्रिवेदी। अमित जी, जी देखिए, अमित जी जिस तरह से ये इक्विटल का सीजन चल रहा है, इस हिसाब से तो ऐसा मुझे लग रहा है
कि जो आसिफा के कातिल थे वो दरिंदे रेपिस्ट, उनको भी कहीं ये बीजेपी की सरकार एक्विट न कर दे। उनाओ में जिसका बलात्कार हुआ था कोर्ट की बाइंडिंग है, बीजेपी का विधायक इन्वॉल्व है, ऐसा लग रहा है कहीं उसको भी कहीं एक्विटल नहीं मिल जाए। अमित जी, यहाँ तो पूरा देश टेंशन में आ गया है कि अब होगा क्या। इसी तरह अगर आरोपियों को दोषियों को छोड़ दिया जाएगा तो हम न्यायपालिका से क्या उम्मीद रखेंगे, देश में न्याय का क्या होगा। ये सरकार की जवाबदारी होती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बोले कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करो, वॉटर टाइट केस बनाओ ताकि लोगों को कन्विक्शन हो। अगर हमको क्राइम रोकना है, टेररिज्म रोकना है, सरकार की प्रतिक्रिया अलग था उनका उस मुद्दे के ऊपर। दोनों मंत्रियों का इस्तीफा दिया गया, उन्हें सरकार से बाहर किया गया। उत्तर प्रदेश में घटना हुई, विधायक जेल में, केस सीबीआई पे और नार्को टेस्ट तक की तैयारी। अब इसके आगे की जो भी होगा दंडात्मक प्रक्रिया तो न्याय की बात होगी। अरे ब्लास्ट हुआ है और मुझे तो ये आश्चर्य होता है ना, आप तो उन लोगों के साथ है ना जो ये कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, उनसे कहा माफी मांगने को। प्रधानमंत्री जी ने तो ये बोला लंदन में कि लड़की से क्यों पूछते हो, लड़के से पूछो कहां गए थे, बेटियों से क्यों पूछते हो, बेटे से क्यों नहीं पूछते, शाम को कहां गए थे। और एक आपके साथी थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा बेटों से गलतियां हो जाती है। और आप पोलिसाइजेशन की बात करते हैं, याद करिए आजम खान ने कहा था बुलंदशहर रेप में कि रेप तो हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी की साजिश है। और फिर हाई कोर्ट के कहने पे आजम खान को मैं प्रवक्ता नहीं, जी माफी मांगनी पड़ी। मैं कांग्रेस का मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। देखिए मुझे लगता है रेप जैसे मामले को भाई ने आपको रुकना पड़ेगा सर, सब चीजें महत्वपूर्ण है लेकिन रेप जैसे मामले को मुझे लगता है उत्तर प्रदेश किसी भी सूरत में प्रकरण में सही एक मुझे बड़ा सरल सवाल का जवाब दीजिए अगर आप दे पाए तो। पहले मैं शेष जी के पास जाता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। शेष नारायण सिंह, सच की जीत से कांग्रेस परेशान है या फिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक्विट हो रहे हैं इससे परेशान है? नहीं, अब ये बीजेपी के बड़े नेता थोड़े ही हैं, असीमानंद वो तो बीजेपी में कभी थे जी। लेकिन देखो ऐसा है कि इसमें मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स का स्पेस है ही नहीं है। ये कांग्रेस जंपिंग द गन कर रही है। माया कुंडानी, बाबू बजरंगी, जितने लोगों को सजा हुई है वहाँ, उस वक्त तो वहाँ पे बीजेपी की ही सरकार थी। प्रोसिक्यूशन बीजेपी का, इन्वेस्टिगेशन बीजेपी के था, उनको अरेस्ट बीजेपी ने किया। तो मुझे लगता है कि वो ये लोग जंपिंग द गन कर रहे हैं। और जो एक्विटल होता है वो कानून की एक प्रक्रिया के तहत होता है। वो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहते हैं, जैसे अभय कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं या वारिस भाई कह रहे हैं कि सब ये लोग कर रहे हैं, उसका सीजन चल रहा है, तो आप इसमें इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो भी हुकूमत में होगा वो जुडिशरी को प्रभावित करेगा। अगर आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे? क्या जब आप सत्ता में थे तो आप जुडिशरी को यानी प्रभावित करते थे और आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हैव यू डन इट बिफोर? बहुत, आप सरकारों में 60 साल से रहे, बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया। कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने आकर पत्रकार वार्ता ली? चार न्यायाधीशों ने, मूर्धन्य न्यायाधीश, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद स्वामी सुब्रमण्यम ने कहा कि उनके क्रेडेंशियल्स पर हमको भरोसा करना पड़ेगा जजों के। उन जजेस ने कहा कि प्रजातंत्र खतरे में है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। सुन लीजिए, शेष नारायण जी, मैंने पीछे नहीं बोला, नहीं नहीं जवाब दे दीजिए। डॉक्टर स्वामी की बातों को अगर आप नजीर मानते हैं तो क्या इसको हम लोग रिकॉर्ड में ले लें कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर स्वामी की हर बात को सबूत के तौर पे पेश करे? देखिए, हर बात का प्रश्न नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं सर, आप 40 सेकंड बोले ना। लेकिन सर, आपको लगता है ये कैसे डिबेट होगी? खुद सर, मेरा निवेदन है ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, शायद अभय जी के दिमाग से विस्मृत हो गया हो, नरसिम्हा राव के समय में जस्टिस रामास्वामी का केस, उनके ऊपर करप्शन के प्रूवन चार्जेस, मामला आया पार्लियामेंट पर, आपने बचा लिया। ये पूरे देश को बता है, तो लाइए ना। अरे हम तो क्या कह रहे, बचा लिया। शायद आप भूल गए, आपके दिमाग से एक और चीज निकली, अश्विनी कुमार
सीबीआई का एफिड लॉ मिनिस्टर सीबीआई का एफिडेविट वेट करते हुए पकड़े थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं देखिए प्रासंगिक की आपने जहां तक बात करी, मैं वारिस पठान की बात जाता हूं। वारिस पठान, प्रासंगिक बात यह है कि अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं है, आप वकील हैं, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, और जब बाइज्जत बरी किया जाता है तो आप कहते हैं कि इसको सजा क्यों नहीं हुई, अगर सजा होती तो वो ठीक होता। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के फैसले में ठीक, नॉर्थ ईस्ट के फैसले में ठीक, लेकिन जज लोया के फैसले में गलत, क्यों ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? अभी जी मैं आपको अब कानून समझाता हूं जी, समझाइए कानून भी समझाते हैं। अमित जी, जब माया कोटनानी को अरेस्ट किया था उस वक्त तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास सबूत था, बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट में थी, आई विटनेस इसके स्टेटमेंट थे कि इन्होंने वहां पे केरोसिन बांटा, इन्होंने वहां पे तलवार बांटी जिसकी वजह से 57 लोगों की जाने चले गई, उस बुनियाद पे इनको अरेस्ट किया, बाद में इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया, इन्होंने अपना दिखाया कि मेडिकल ग्राउंड बनाया, सब बनाया, बेल पे आ गए, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने विटनेसेस को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? तो जाहिर सी बात है प्रिजम्पशन ये होता है कि ये बाहर आए जब बेल पे तो उन्होंने विटनेसेस को प्रभावित किया और विटनेसेस ने आके कोर्ट में बराबर डिपोज नहीं किया। तो आप अरे सबको जीना है, हमारी सरकारें गिर रही थी अरुणाचल और उत्तराखंड में कि वो केस को फाइल कर सकते थे ना, और आपके हिसाब से प्रभावित कर लिया, मतलब टूजी में आपके नेताओं को एक राहत मिल जाए तो यहाँ सख्त कीजिए, तो कहूंगा कि अपील में जाना, और यहाँ पर निर्णय हो तो ये सरकार का दबाव, अपील में प्रॉपर एविडेंस प्लेस करो, देखिए प्रूफ है तो प्रूफ है, नहीं नहीं प्रूफ की बात तो आपके पास, आपके पास कौन कौन है, आपके पास प्रूफ है तो दीजिए, अरे उनके अच्छा बारिस पठान अगर दूंगे, अगर आपके पास प्रूफ है तो ब्रेक के बाद रखिए, मैं स्वागत करता हूँ आपका, प्रूफ लेकर आइए, क्वेश्चन खड़े करिए, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अंतराल ले रहा हूँ, आर पार में छोटा सा प्रूफ लेकर आ रहे हैं दोनों। बैक आप देख रहे हैं आर पार, और ब्रेक से पहले मैंने बोला था कि सबूत तैयार रखिएगा। अमित दुबे आपके सबूत तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, 40 सेकंड का वक्त है, अपने सबूत दे दीजिए। देखिए अमीश जी एक बात समझ, हवा में बात नहीं, सबूत होने चाहिए पक्के, बात तो सुन लीजिए। हाई कोर्ट में वो ट्रायल कोर्ट नहीं होती कि फिर से एविडेंस हो, ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर फैसला होता है। वारिस पठान साहब खुद वकील हैं, वो जानते होंगे। तो जिस ट्रायल कोर्ट ने जिन सबूतों के आधार पर उसको सजा दी, उन्हीं ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट ने उनको एक्विटल किया, उनको छोड़ दिया। एक बात सुन लीजिए, नहीं नहीं यहां तो बोला गया, यहां तो बोला गया गवाहों को हॉस्टाइल करा गया, ये देखिए हमको न्यायालय के निर्णय पर आस्था रखनी होगी। लेकिन सुधांशु चतुर्वेदी आखिर क्यों है ऐसा? मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आता हूं, जब भी कोर्ट में सच की जीत हो रही है, एक मिनट मेरा जवाब तो सुन, आपका जवाब सुनूंगा सर, आप तो सबूत तैयार रखिए ना सर, सबूत तैयार रखिए, जब भी कोर्ट में सच की जीत हो रही है उस पर सवाल हो रहे हैं, हिंदू आतंकवाद को कोर्ट धूमिल कर देता है तो सवाल, मैं आपको माया कोटनानी पे सवाल, जज लोया पर सवाल, हाल ही में सुनिए क्या, नहीं सर सर एक रुके 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 10 सेकंड रुके, वारिस जी 40 सेकंड रुकिए आप, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या इस ढंग के अपराध सिर्फ गवाहों के आधार पे होते हैं ना, कोई भी चीज हो हर चीज के ऊपर इन लोगों को यह कहना है कि गलत हो गया। और मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल तो आपकी सरकार रही, एडी चोटी का जोर लगा लिया, एक भी चीज कोई सिद्ध नहीं कर पाए, उसके बावजूद आज हर चीज में लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मतलब गवाह का महत्व नहीं था ना, तो उनकी बात करो मानिए, ट्रायल कोर्ट यही तो कह रहा हूं मैं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ओके मैं सीधा वारिस पठान आपकी बात जाता हूं।
वारिस पठान, क्या ये बात सच नहीं है? इस तरह से नहीं, क्या ये बात सच नहीं है? जब कोर्ट जब नहीं, वारिस पठान होल्ड ऑन, क्या ये बात सच नहीं है कि जब कोर्ट सच की जीत कर रहा है तो विपक्ष यानी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आपके पास फ्रस्ट्रेशन में यही सब कुछ निकल रहा है? आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट मेक योर पॉइंट मिस्टर पठान। ये फ्रस्ट्रेशन या फ्रस्ट्रेशन नहीं, नहीं फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है अमीश जी, जब देखते हैं ना अपनी आंख से कि किस तरह से एविडेंस को डाइल्यूट किया जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। अभी हाल ही में आपने देखा उनाव के रेप केस के अंदर एफआईआर रजिस्टर होता है, पॉस्को केस में रजिस्टर होता है, रेप केस रजिस्टर होता है, मगर कुलदीप सिंह सेंगर बाहर रहता है। सर मैं तो आपको माया कोट नानी पे रहने के लिए बोल रहा हूं, बाबू बजरंगी पे रहने के लिए बोल रहा हूं कि जिस दिन ये घटना हुई अजय गौतम वो जब कोर्ट में क्या विपक्ष वो प्ली ऑफ एलिमिनेशन क्या वारिस पठान ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी है, ये इसको जिंदा रखना चाहते हैं? अगर कोर्ट एक्विट करेगा तो कोर्ट गलत, अभय दुबे अगर कोर्ट बोले हिंदू आतंकवाद तो कोर्ट सही। चाहे अभय दुबे जी हो या वारिस पठान हो, ये हिंदू आतंकवाद के किसी भी तरीके से दी गई कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कहीं भी किसी भी फॉर्म पे चैलेंज नहीं की जा सकती। जब वो एविडेंस एक्ट के अंदर जजों की ने जो स्टेटमेंट दिया है जज लोया वाले मामले में, डिस्क्रीट इंक्वायरी इंटेलिजेंस की थी अजय गौतम जी, उसका स्टेटमेंट थे जजेस का आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं हिंदू आतंकवाद था और अगर कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया तो आपको बुरा लग रहा है, दुख लग रहा है इस बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी, नहीं मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को भूल जाइए, भारतीय मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हिंदू आतंकवाद था कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, आपको बुरा इसलिए लग रहा है? अरे क्या कह रही माया कोट नानी, माया कोट नानी को अगर जेल होती तो आपको अच्छा लगता, असीमानंद को अगर जेल होती तो अच्छा लगता, जनरल पोइट को अगर जेल होती तो अच्छा लगता, माया कोट नानी को जेल कराई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे सर कह रही है और सुन लीजिए, माया कोट नानी अच्छा कोर्ट सही कब होंगे? अच्छा नहीं 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 को क्या कह रही है माया कोट नानी, शरीफा बी को क्या कह रही है? क्यों लगा वो कह रही है कि मोदी जी के लिए तुम, ये दोनों बातें डूबी विकास की लोकतंत्र की महाराज के पीछे बिल्कुल चलने वाली हो गया, उसका गुस्सा माया कोट नानी का भाषण हो गया, उन्हीं भाजपा नेताओं के खिलाफ है। एक मिनट, ये अभय दुबे आप दो तीन बातें मुझे लगता है कि आपको यू हैव टू टेल टू द नेशन। एक तो आप डॉक्टर सुमन स्वामी की नज़ीर को फाइनल मान रहे हैं, गुजरात सरकार ने जो माया कोट नानी के साथ व्यवहार किया उनको सजा दिलाई उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और अभी अभी आप ये माया कोट नानी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस की तरफ से हैं कि वो इन लोगों की तरफ बहुत से अच्छा हैं? प्रश्न करो, बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये उन लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं तो माया कोट नानी खिलाफ है। नहीं कहा माया, अरे हमने तो कहा जिन अरे सुधांशु 97 लोगों की हत्या हुई है, हत्यारों को बचा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने आज आप भोपाल से दिल्ली आए, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, ज्यादा बोलने का मौका दिया, लेकिन इस वक्त जो शेष नारायण जी ने कहा उसके बारे में एक लाइन में कहूंगा। जानते हैं ऐसा अभय दुबे जी के साथ क्यों हो रहा है? चूंकि वो चीजों को दिल से देखना चाहते हैं, दिमाग से देखना ही नहीं चाहते, उनके लिए वो पंक्ति लागू होती है कि जो दिल से देखता है तू है बस वही दुनिया, वो संग खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। शुक्रिया शुक्रिया, डिबेट को यही वाइंड अप करता हूँ, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल, फिलहाल आर पास में रहता ही, आप देखते रहिए न्यूज एट इंडिया, निष्कर्ष है ये, सच जब स्थापित होता है तो तकलीफ बहुतों को होती है और यही आज का निष्कर्ष भी है। फिलहाल आर पार में तय, आप देखते रहिए न्यूज एक इंडिया, नमस्कार, और अब वक्त है अगले शो का, सुमित तैयार है, सुमित ओवर टू यू।